खरीफ कार्यशाला का जो मेन उद्देश्य होता है किसानों को जो भी कृषि में नया तकनीक अभी है या सरकार द्वारा चलाई जा रही है जो भी सुविधाएं हैं उससे उसको जागरूक करना ताकि उसका वो समुचित लाभ ले सके। तो अभी हमारे बैंक कर्मी आए हुए हैं, यह बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में बता रहे थे। तो फसल बीमा का क्या उद्देश्य है ये जानना जरूरी है। फसल बीमा जैसे हम लोग LIC करवाते हैं, इंश्योरेंस करवाते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, गाड़ी का इंश्योरेंस, इसी तरह का आपका क्रॉप का इंश्योरेंस है। तो इसमें क्या है कि जो हम लोग इंश्योरेंस करवाते हैं, LIC करवाते हैं, चाहे हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं, चाहे गाड़ी का इंश्योरेंस करवाते हैं, तो उसमें हम लोग पैसा खुद देते हैं इंश्योरेंस कंपनी को, जो भी इंश्योरेंस करता है। तो उसके बदले अगर हमारे स्वास्थ्य का या गाड़ी का कुछ नुकसान होता है तो हमको उसके बदले जो बीमित राशि होता है उसका हमको मिलता है। अगर हम क्लेम करते हैं तो क्लेम फॉर्म है तो भरते हैं तो मिलता है। लेकिन ये जो क्रॉप इंश्योरेंस अभी सरकार चला रही है इसमें आपको पैसा नहीं देना, इसमें मात्र 1 रुपये अगर कनी कटेगा आपको जाके परीक्षा केंद्र में अप्लाई करना है, फॉर्म भरना है और इसका डेट जो है कल तक तक है। तो इसके बदले क्या होगा कि जैसे अगर आप मेरी दो को पता लगे आज है और आपको दो अगर लगाते हैं आप कुछ सबसे पहले आप फसल लगाए इसका सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, सर्टिफिकेट बनवाना कैसे बनाना है आपको संपर्क कर लीजिएगा कैसे बनेगा। ये हम बुआई का सर्टिफिकेट चाहिए ना, तो बुआई का सर्टिफिकेट बनवाना है, उसके बाद ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर देना है। कुछ नहीं, 1 रुपया लगे, 1 रुपये कोई बड़ी राशि नहीं है, अगर 50 रुपये लगे तो भी बड़ी राशि नहीं है। लेकिन अगर आपका फसल का नुकसान होता है किसी वजह से तो आप ये स्थिति में रहिएगा कि बाद में हम लोग इस क्लेम कर सकते हैं और क्लेम आपका सेटल्ड होगा। तो इसमें जो भी क्लेम मिलेगा वो फसल के क्षति पर निर्भर करेगा कि कितना फसल का आपका क्षति हुआ है। तो फसल का क्षति का आकलन कैसे किया जाता है, क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट से किया जाता है। मतलब फसल जो भी आप लगाए हैं उसको काट कर देखा जाएगा कितना परसेंट डैमेज हुआ है, उतना ही का सरकार भरपाई करेगी आपको। उसका कुछ राशि है, फिक्स है राशि है ना, कितना कितना राशि है धान के लिए 1 एकड़ के लिए? 1 एकड़ के लिए आपका 30 से 50% 3,000 के आसपास है। अच्छा, 50% 5,000। अच्छा, 5 साल का एवरेज, 5 साल का एवरेज निकाला जाता है प्रति हेक्टेयर है सर 8100 कुछ है ना। तो जो भी राशि है इतना तो श्योर है कि क्रॉप नहीं होने की स्थिति में या फेल होने की स्थिति में अगानी का है सर 81,724। देखिए प्रति हेक्टेयर अगानी फसल का 81,724 रुपया है। हाँ। मक्का कितना है? 62,711 रुपया। मक्का का 62,711 है। तो आपको इतना तो निश्चित है कि अगर आपको लॉस होता है तो आप जितना उत्पादन नहीं कर पाइएगा उतना ज्यादा आपको मुआवजा मिल जाएगा लगभग। तो इससे आपको लाभ ही लाभ है। अब पैसा लगना होगा है नहीं, 1 रुपया कोई राशि नहीं होता है, सभी जो CSC है उनको पहले से दिया हुआ पैसा, उनको करना है काम। तो इसमें आपको जाना नहीं, जाके अपना सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवा लेना है बस। और सभी किसान को कराना चाहिए, अपने सभी खेत के लिए कराना चाहिए, जो मिल जाए। डैमेज होगा तो मिलेगा निश्चित है।
अपने से। तो एक ये योजना हो गया। फिर अभी और भी मतलब बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे झारखंड राज्य मिलेट मिशन योजना है, तो उसमें क्या है कि आपको मिलेट, मिलेट मतलब होता है मोटा अनाज, मोटा अनाज में तो कुछ मोटा अनाज है जैसे ज्वार, बाजरा, कोदो, कुटकी, चीना, चीना, कंगनी, कंगनी और मड़ुआ, ये सब जो अनाज है ये मोटा अनाज कहलाता है, मक्का को छोड़कर, मक्का मोटा अनाज में नहीं आता। तो इन सब का अगर खेती आप करते हैं तो आपको इसमें भी रजिस्ट्रेशन करवाना है, झारखंड राज्य मिलेट मिशन योजना के अंतर्गत। तो आपको इसमें सर सरकार सहायता देती है, आपको इस खेती को, मिलेट की खेती को मतलब तो बढ़ाने के लिए, प्रमोट करने के लिए सरकार 3,000 प्रति एकड़, मैक्सिमम 5 एकड़ का 15,000 आपको सरकार पैसा देती है, आपसे कुछ लेगी नहीं, आपको पैसा देगी। आप फिर खेती तो आप कर रहे हैं तो उसका तो फायदा है ही, उसको तो आप बेचिए ही, उसे कोई दिक्कत नहीं है, रोटी खाइए बेचिए उसे कोई दिक्कत नहीं है, उसका लाभ लीजिए, लेकिन साथ में आपको प्रोत्साहन भी सरकार दे रही है। इसका मेन कारण है कि देखिए जो मिलेट होता है ना स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा चीज होता है, पेट के लिए बहुत अच्छा चीज होता है, पेट आपका पूरा क्लीन रखता है, इसमें शुगर भी कम होता है, स्टार्च कम होता है, शुगर कम होता है, तो शुगर के जो पेशेंट अभी बढ़ते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन, तो उसको भी कंट्रोल करने में कहीं ना कहीं मदद मिलेगा मिलेट से। और मिलेट से आजकल बहुत मतलब सारा चीज बनाया जा रहा है, प्रोसेसिंग हो रहा है, मिलेट से आजकल बढ़िया लड्डू बनाया जाता है, बढ़िया बिस्किट बनाया जाता है, बढ़िया केक बनाया जाता है, मतलब मिक्स आटा बनाया जाता है जो अन्य गेहूं के आटा के साथ मिलाकर मिक्स आटा बनता है, वो भी अभी बनाया जा रहा है। अब मिलेट का आटा का रेट 300 रुपये किलो है, अगर ऑनलाइन आप परचेस मतलब कभी जानते होंगे वेबसाइट पर देखे होंगे, चाहे ऐसे भी दुकान पतंजलि सब दुकान में पूछिएगा कि मिलेट मड़ुआ का ही रेट क्या है, कोई भी आपको 200 रुपये से कम नहीं मिलेगा आटा उसका बढ़िया। तो स्वास्थ्य के लिए तो फायदा है, साथ साथ अगर मार्केट में बेचते भी हैं तो भी आपको एक अच्छा पैसा मिल सकता है, इसमें संभावना है। तो और दूसरी चीज है कि इसको खाद पानी उतना नहीं चाहिए जितना कि आप मतलब धान गेहूं इस समय लगाते हैं, यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें खाद पानी भी उतना नहीं चाहिए। मेन समस्या है इसका बीज का, बीज कहाँ से मिलेगा, तो बीज आपको कोई भी सोर्स उसको खुद ढूंढना होगा कि कहाँ से बीज हमको मिलेगा, कुछ नहीं तो मड़ुआ का तो कर ही सकते हैं, मड़ुआ बाजरा ज्वार सब तो कर ही सकते हैं, कन्वेंशनली यहाँ भी होता है, पहाड़ में भी होता है, तो इसको आप लोग लगा के इसका लाभ लीजिए, और इसका 3,000 का जो बेनिफिट है उसको भी लीजिए। अगर ये सब करते हैं तो बहुत लोग हैं मतलब जो मतलब साहेबगंज में चाहे जो मार्केट है, लोकल मार्केट है, वहाँ पर भी आपका सेल हो जाएगा इसका आटा का। फिर है एक है PDMC मतलब पर्ट रोक मोर को सिंचाई से संबंधित योजना। सिंचाई से संबंधित योजना में है कि इसमें दो तरह की सिंचाई प्रणाली लगाया जाता है, टपक सिंचाई और फवारा सिंचाई। तो इसके लिए आपको आवेदन करना होगा, आवेदन से संबंधित जितना जानकारी है वो मतलब BO प्रखंड कृषि पदाधिकारी BTM इससे जानकारी ले सकते हैं। तो इसमें भी 90% अनुदान है, इसमें जो भी लगे मतलब सिस्टम आपके खेत में तो उसमें आपको 10% ही देना पड़ेगा, वो भी कभी कभी कंपनी वाला मतलब माफ कर देता है कुछ परिश्रमिक के बदले। तो इसमें सिंचाई के उन्नत प्रणाली लगा सकते हैं, तो आवेदन देना है तो इन लोग से संपर्क कर लीजिएगा। इसमें क्या है कि आपके पास पंप सेट होना चाहिए और मतलब पानी का स्रोत होना चाहिए सिंचाई के लिए। टपक सिंचाई में होता है कि जितने भी फल फूल सब्जी वाला फसल है उसमें बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है, उत्पादन लगभग दोगुना हो जाता है, ये मतलब सभी तरह के रिजल्ट में पाया गया है कि जो कन्वेंशनली हम लगाते हैं उसमें उत्पादन दोगुना होता है टपक सिंचाई से। अब पानी 10 गुना कम लगता है, मतलब पहले आप वैसे सिंचाई करते हैं तो आपको 10 गुना ज्यादा पानी खर्च करना पड़ता है, अगर टपक सिंचाई लगाते हैं तो आपको 10 गुना पानी का बचत होता है, मतलब एक ही पानी से आप 10 गुना खेत को कवर कर सकते हैं।
ये सिंचाई प्रणाली के द्वारा। तो देखिए साहेबगंज जिले में सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ स्कोप बहुत ज़्यादा है, यहाँ पानी का स्रोत भी है। तो हम लोग फल फूल सब्जी में अगर आगे बढ़ेंगे तो हम लोग किसानों को आय को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। और यहाँ साहेबगंज में जो भी सब्जियाँ आती है वो अधिकतर इम्पोर्टेड होती है, अगर आस पड़ोस के जिलों से होती है, बंगाल से होती है, बिहार से आती है सब्जियाँ। तो अगर आप लोग सब्जी का खेती करते हैं तो यहाँ पर तो आप लोग का आर्थिक स्थिति ठीक हो गए हैं, साथ साथ यहाँ की सब्जी का जो आपूर्ति है, मार्केट का जो रेट है, उस पर भी कंट्रोल हो पाएगा। तो टपक सिंचाई लगा के आप लोग सब्जी का खेती कीजिए तो बहुत मतलब ठीक है। सब्जी कीजिए, फल का बाग लगाइए, ये भी बहुत सम्मान है। फल का बाग लगाने से ये फायदा सिर्फ नहीं है कि सिर्फ फल मिलता है, उसके साथ साथ आप जंगल एरिया को भी बढ़ाते हैं, फॉरेस्ट एरिया को भी आप बढ़ाते हैं, मतलब एक तरह से।